हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक बहुत ही अच्छी बुक के बारे में, जो कि शकुंतला देवी जी द्वारा लिखी गई है, मैथमेटिबिलिटी अवेकन द मैथ्स जीनियस इन योर चाइल्ड। ठीक है, इस बुक के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। छोटा सा वीडियो रहेगा, लेकिन ये वीडियो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप पूरा देखें परचेज डिसीजन करने से पहले, कि आपको इस बुक को परचेज करना है या नहीं करना है। वो सोचने से पहले आप इस वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा। तो मैं इस बात करने वाला हूं इस बुक के बारे में, जो कि बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, मैं दिखाता हूं इसके क्या कंटेंट हैं। शकुंतला देवी जी की बुक है ये, ओरिएंट पेपरबैक्स की है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि ये बुक, पहली चीज, ये बुक इसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आंसर्स नहीं है। ठीक है, आप सोचें कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे, सॉल्यूशन होंगे, ऐसा इसमें नहीं है। ये बुक क्या सिखाती है, ये बुक आपको मैथमेटिक्स को डिफरेंट तरह से सोचना सिखाती है, डिफरेंट वे ऑफ मैथमेटिक्स, डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स, थिंकिंग सिखाती है। कैसी थिंकिंग? दो तरह की थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बात करता हूँ, लॉजिकल और क्रिटिकल। इन थिंकिंग के बारे में बात करती है। ठीक है, और ये बुक आपको दो तरह से समझना है, कि अगर आप, पहले तो ये समझिए कि ये बुक किस क्लास से आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्लास का कोई मतलब नहीं है, ये बुक आप, मेरी राय में ये बुक आप 7 to 15 ईयर्स के बच्चों के लिए अच्छी साबित हो सकती है। अब दो तरह के बच्चे हो सकते हैं, पहले बच्चे जिनका मैथमेटिक्स में अपना इंटरेस्ट है। ठीक है, अगर अपना इंटरेस्ट है तो उस बच्चे को ये बुक जरूर खरीदनी चाहिए, क्योंकि इस बुक में क्या है ना, थ्योरी ज्यादा इस बुक में लिखा हुआ है। आपको ये समझना है कि हाँ, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो उसको सोचने के कितने डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, कैसे उस प्रॉब्लम को मैं डिफरेंट वे में अप्रोच कर सकता हूँ। और जब आप एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट अप्रोच को देखते हैं, तो आपकी क्रिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग काम भी आती है और साथ ही साथ इम्प्रूव भी होती है। ठीक है, दोबारा आ रहा हूं, दूसरे बच्चे जिनका आपको पता नहीं है कि मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है या नहीं है, ठीक है, ऐसे बच्चों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप तभी लें जब उनके पेरेंट्स या कोई और बड़ा उनको गाइड कर सके, मींस उसको ये बुक खुद पढ़ के और बच्चे की हेल्प करनी होगी। अगर आपको लग रहा है बच्चे का अपना इंटरेस्ट नहीं है मैथमेटिक्स में, और एज ए पेरेंट, एज ए गार्जियन या एज ए गाइड कोई उसकी हेल्प नहीं कर सकता, तो प्लीज इस बुक को आप ना लें। भले ही इस बुक का प्राइस अप्रोक्सीमेट 200 या लेस देन 200 है, लेकिन ये भी आपके वेस्ट होंगे, क्योंकि इस बुक में क्या है, लैंग्वेज बहुत ज्यादा लिखी हुई है। अगर आप ऐसे बच्चे के लिए ले देंगे जिसका आपको पता ही नहीं है मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है या नहीं है, और उसको कोई गाइड भी करने वाला नहीं है, तो उसको इस बुक में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कोई भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, नो इंटरेस्ट, ऐसी बुक है ये। क्योंकि इस बुक में लैंग्वेज लिखी हुई है, लैंग्वेज बताया गया है कि आप प्रॉब्लम को कैसे सोचिए, प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करिए, अपने माइंड को कैसे डिफरेंट तरह से सोचना सिखाइए। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक क्वेश्चन आया, फाइंड 36% ऑफ 50। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है परसेंटेज का। अब स्कूल में जो हम सीख रहे हैं, स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है, उसके हिसाब से बच्चा क्या करेगा, वो लिखेगा 36% है, उसकी जगह वो लिख देगा 1/100। ठीक है, और इन टू करेगा 50, फिर वो बोलेगा 50 2 ज़ा 100, और यहाँ पे 18 आंसर लेके आएगा। ये बुक आपको इसी प्रॉब्लम को, इस तरह की प्रॉब्लम को दूसरी तरह से सोचना सिखाएगी। कैसे? जैसे अगर मेरे पास लिखा है 36% ऑफ 50, ठीक है, तो मेरा क्या सोचना होगा, मेरा सोचना होगा, ये तो एक स्कूली मेथड हो गया फॉर्मूले वाला। अगर इस क्वेश्चन को सिर्फ सोचना है, बिना पेन चलाए आपको सॉल्व करना है, तो आप क्या सोचेंगे, 36% ऑफ 50 का मतलब है 50% ऑफ 36। भाई 36%, 50 का 36% निकालो या 36 का 50% निकालो, एक ही बात है, परसेंटेज साइन तो चेंज हो रहा है ना। इसका चीज क्या है कि यहां आपने 36 × 50/100 कर दिया, तो ये परसेंट हो गया, 36 का 50%, तो 50% ऑफ 36 निकालना है। इसमें भी आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है कि आप 50/100 लिखो, 50% का मतलब अपने आप में हाफ होता है, जिसके आगे भी आपने 50% लगा दिया मींस उसका हाफ,
तो 36 का हाफ आपको पता है 36 का हाफ क्या होता है 80। तो जब आप प्रॉब्लम को डिफरेंट तरीके से करना सीखते हो तो आप सीधे बोलोगे अच्छा 36% ऑफ 50 मीन्स 18। सिंपल देखते ही आप बोल दोगे आपको पता है 36% ऑफ 50 का मतलब 50% ऑफ 36, 50% का मतलब 36 का आधा, आधा मीन्स 18, ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपकी हुई लॉजिकल थिंकिंग, या इसको आप क्रिटिकल थिंकिंग भी बोल सकते हो, स्टेप वन। ठीक है, ये बुक मैथमेटिक्स को डिफरेंट तरह से देखने के लिए एक सीढ़ी का, एक स्टेयर का काम करेगी। आप सोचो कि सभी कुछ इस बुक में है, एक बच्चे को सभी कुछ मिल जाएगा इस बुक में कि मैथमेटिक्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ये एक स्टेयर है, आपको अगर किसी फ्लोर पे पहुंचना है तो ऐसा नहीं कि आप एक ही स्टेयर पे चढ़े और पहुंच गए। मैं अगेन बोल रहा हूं, ये उस प्रोसेस की एक सीढ़ी है। इस तरह आगे कुछ और अच्छी बुक्स आती रहेंगी। आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने बच्चे को, आइडियल मैं मानता हूं 4th क्लास से लेके 8th क्लास तक आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मेरे बेटे का इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है तो मैंने उसको ये बुक 1st क्लास में इंट्रोड्यूस कर दी थी, बट मुझे अपने आप उसको गाइड करना पड़ा था। ऐसा नहीं है कि मैंने बेटे को दे दी और उसने पढ़ ली, मैंने इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ढूंढी। ठीक है, उसको डिफरेंट तरह से सोचना सिखाया और उसने मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट लिया और अभी फिलहाल वो मैथमेटिक्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये जस्ट मेरी तरफ से एक सजेशन था पेरेंट्स के लिए जो चाहते हैं कि उनके बच्चे कुछ मैथमेटिक्स में, जिनका इंटरेस्ट है और उन्हें लगता है कि उन्हें अर्ली एज में या अर्ली स्टेज में कुछ इंटरफेरेंस करना चाहिए। देखिए, हर चीज़ ट्यूशन से नहीं होती है। आप सोचोगे हर चीज़ ट्यूशन में या हर चीज़ कोई टीचर बता देगा मेरे बच्चे को, ऐसा नहीं होगा। जितना आप अपने बच्चे के लिए खुद कर सकते हैं उतना कोई टीचर, कोई ट्यूशन नहीं कर सकता। ठीक है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। तो अगर आप 20% एफर्ट करोगे अपने बच्चे के लिए, अगर उसका वाकई में ये मैथ्स के लिए और किसी सब्जेक्ट में भी उस बच्चे का इंटरेस्ट है, अगर आप 20% एफर्ट करोगे तो आप देखेंगे आपके बच्चे में 80% इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, ये टेस्टेड चीज बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ये मैंने खुद टेस्ट किया। आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा अर्ली एज में, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, तो ऑफ कोर्स वो खुद करने लगते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आपके बच्चे का मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है या आपका इंटरेस्ट है अपने बच्चे को मैथमेटिक्स में डिफरेंट तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करने में, तो दिस बुक इज अ मस्ट बाय। ठीक है, और ये बुक प्रैक्टिकल बुक है, इसको आपने थ्योरी बुक की तरह नहीं पढ़ना है, इसको आपने प्रैक्टिकल बुक की तरह पढ़ना है। जो बातें इसमें कही गई हैं वो आपको प्रैक्टिकली फॉलो करनी है। ठीक है, इस बुक का परचेज लिंक आप ऑनलाइन ले सकते हैं, मार्केट से ले सकते हैं। परचेज लिंक जो फ्लिपकार्ट और अमेजन का है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। बट अगेन, आपको ये डिसीजन करना है कि आप बच्चे की हेल्प कर पाएंगे इस बुक को पढ़ने में, या बच्चे का खुद ही इतना इंटरेस्ट है कि वो सेल्फ स्टडी से ये बुक पढ़ लेगा, तभी आप इस बुक को खरीदें, अदरवाइज इस बुक को नहीं खरीदें। ठीक है, तो फ्रेंड्स, होप करता हूं कि मैं कुछ ना कुछ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेड वीडियो लाता रहूं। और आपके पास भी कुछ अगर ऐसे सजेशन है कि किस तरह से बच्चे इंप्रूव करें तो प्लीज जरूर शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल से आपको हेल्प हो रही है तो हमारे वीडियोज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।